अरे मेन चीफ गेस्ट आ गए हैं सर, नवाब टर्नर सर। सर ने तो लगाया है, तुम जरा इधर कपड़ों के बैठो, मैं आ रहा हूँ। क्या बैठो भाई, I'm gonna make it.
Yeah.
थोड़ी सी ऊर्जा को कम करते हुए फिर से एक छोटा सा गीत चलिए यार हम फोटो बस फेस को देखते रहो लग रहा है
So as Salim sir presented his mime, that was wonderful. So there were certain characters. First character, I guess, that was a student who was feeling very bored in the classroom. So he was just lying down on the chair. And the second character was, that was a hungry man who was eating something, and he didn't care about others, that what others thinking of them. But Salim sir presented that very well. And the third character was, there was a girl who was applying lipstick on her lips, and that was very funny moment. And one more character was there was a man who was smoking. And yes, these characters were there. Thank you so much. Mother. There was a mother who was playing with his baby. And that moment was very funny, as we all saw that. Saima, one more. Yes. Businessman. Job पे जा रहा था पहनो इनके सीधे. So एक businessman और थे जो अपने टाई सेट कर रहे थे. That's all. पर एक साइमा थी. ओके ओके. सो वन मोर कैरेक्टर केम हियर. अ बॉय वाज रीडिंग और एनीवन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर. एज वी कैन सी इन आवर सराउंडिंग एज वेल व्हेनेवर वी गो समवेयर. सो दे जस्ट कीप अ न्यूज़पेपर एंड रीड लाइक दैट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अपने अपने मान कर बैठते हैं. तो हम शुरू कर रहे हैं डाइट केशवपुरम के साथ, और इनका जो शीर्षक है वो है महाभारत और कलयुग. सही लिए शीर्षक मैंने, महाभारत और कलयुग. तो यलगार हो, शुरुआत करो. कोई नहीं आया, बैठ दो. सुनो भाइयों, भाभियों सुनो री. प्रणाम पितामह. मैं गंगापुत्र भीष्म हस्तिनापुर के साम्राज्य के सिंहासन का दशरथ आज इस सभा के सम्मुख तुम्हें हस्तिनापुर का नया राजा घोषित करता हूँ. ये बीच में आ गया. आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ. पितामह, आपने जो शास्त्रों और नियमों का ज्ञान मुझे दिया है उसके अनुसार कोई अपंग व्यक्ति राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता. बस विदुर, बस बहुत अपमान कर चुके हो हमारा. माफ कीजिए, परंतु यही सत्य है. कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अपूर्ण है वो राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है. शासक नहीं बनने दिया जाएगा. सामान्य मनुष्य की तरह जीवन पर्यंत संघर्ष किया है. मेरी एक अपूर्णता की वजह से मेरी सारी विशेषताओं को नकार दिया जाएगा. मेरे इस दोष की वजह से मुझे नकारने पर क्या मैं इतिहास नहीं रह सकता? मैं भी तो परिवर्तन ला सकता हूँ. अपूर्णता किसी का दोष नहीं, और जब दोष नहीं तो सजा क्यों? एक बार मौका देकर तो देखो, वे भी परिवर्तन ला सकते हैं. आज स्टीफन हॉकिंग, अरुणिमा सिन्हा, मुनीमा मजारी जैसे कई जीते जागते उदाहरण हमारे सामने हैं.
इसी समावेशन के कारण धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाए। क्या यह अन्याय हुआ? क्या किसी व्यक्ति की सिर्फ एक अपूर्णता के कारण उसकी सारी योग्यता को नजरअंदाज कर दिया जाता है? नारी है
नारी नर की पहचान होती है, फिर भी नर अनजान है। हम 21वीं सदी के लोग इंटरनेट तो जानते हैं लेकिन नारी का सम्मान करना नहीं जानते। हम इतने मॉडर्न होते हुए भी नारी का महत्व नहीं समझ पाते। अगर अगर लोगों का नजरिया महिलाओं के प्रति नहीं बदल पाया तो मेरा दावा है इस देश का काल निकट आ रहा है, क्योंकि क्योंकि नारी ही वह शक्ति है जो इस देश को अंधकार से प्रकाश की तरफ ला सकती है। केवल नारी ही वह शक्ति है। युद्ध की प्रकृति होती है विनाश, विनाश मानवता का, हत्या लोगों की। कईयों के घर उजड़ जाते हैं, कईयों के पति मर जाते हैं, कईयों की संतानें। युद्ध जैसे यूक्रेन और रूस, यदि ये युद्ध यूं ही चलते रहे, वो अपने मानसिकता पर यूं ही अडिग रहे, तो फिर से एक महाभारत होगी, फिर से एक अभिमन्यु मारा जाएगा, फिर से कई माओं के संतान उजड़ जाएंगे। इसीलिए मेरी आपसे यही विनती है, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके और हमारे आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके और हमारे आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। जैसे
बहने तो अपने पति के मान के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, पर आप सभी ने तो अपने बच्चों की मुंह की पट्टी अपनी आंखों पर बांधी। बहुत ज्यादा मिनट हो गया, 14 मिनट का फोन। महाभारत का हो या आज भूमि खाली क्यों ना हो, हम सभी माता पिता में एक समानता अवश्य है। ना मैंने अपने दुर्योधन को कभी अनुशासित किया, ना मैंने अपने दुर्योधन को कभी गलत संगत में जाने से रोका, और ना ही आप भी अपने बच्चों को अनुशासित किया, ना आपने उन्हें सही और गलत में अंतर बताए। हम सब जानते हैं कि महाभारत दुर्योधन के अहंकार के कारण ही हुई थी। यदि उसी वक्त मैंने अपने दुर्योधन को अनुशासित किया होता तो ना ये नरसंहार देखना पड़ता, ना ही ये रक्त में, ना ये नरसंहार देखना पड़ता, ना ही ये रक्त में, ना ये नरसंहार देखना पड़ता, ना ही ये रक्त। तो उतार फेंकिए इस पट्टी को जिस पट्टी ने आप सभी की आंखों में सत्य के प्रकाश को जाने से रोका है, इस पट्टी को जिस पट्टी ने आप सभी को आपके बच्चों के सत्य को देखने से रोक रखा है। वरना हर ग्रह गलती में दुर्योधन होगा, हर गली चौराहे पर एक महाभारत, हर क्षेत्र एक कुरुक्षेत्र होगा। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता की आड़ में हमने अपने बच्चों को अंधकार में झोंक दिया है। ये वक्त है नई परिभाषा निर्मित करने का, ये वक्त है सही राह पर पुनः उतरने का। नोट करते हैं, उन्हीं को देखते हैं।
देख रहे हो इनको? ये नाटक करने आए हैं यहाँ, ये ऑडियंस इकट्ठा हो गई, खड़े हो आंटी जी आ गए। अरे ये क्या बदतमीजी है? ये मुझसे क्या पूछते हो जाने मन? बस खुदा से पूछो। जाने मन एक दूसरे को क्यों रहता है? पहली जाने मन। पढ़े लिखो का दिल नहीं होता क्या?
ये मॉडल हिंदी नहीं आती। अब पीछा किया तो पुलिस कंप्लेंट करा दूंगी। अरे मैंने पीछा ही तो किया है, इसमें कौन सा अपराध कर दिया? आप हो इतनी खूबसूरत क्यों भाई हो? स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेस हो, हमारे आसपास मौजूद हर जगह पे आज लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। और ये शोषण करने वाले कहाँ से आते हैं? आप ही बताइए, क्या ये हमसे अलग है? ये हमारे ही बीच, हमारे ही गली, हमारे ही मोहल्लों से निकलते हैं और लड़कियों का शोषण उनके स्कूल्स, उनके कॉलेजेस, उनके घर से लेकर उनके मायके और उनके ससुराल तक करते हैं। ये शोषण करने वाले लड़कियों के शरीर का उपयोग करके उस पर अपनी मर्दानगी साबित करते हैं। तो आप भी बताइए, क्या ये सही है? नहीं। आप बताइए, लड़कियों का शोषण होना सही है? नहीं। कहते हैं लड़कियों को पैदा होते ही मार देना चाहिए, लड़कियां एक अभिशाप होती हैं। आप बताइए, क्या ये सही है? नहीं। सही से तो लगा। हाँ अच्छा बच्चा लड़की है। सुन, तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, अभिशाप है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे और मेरे घर वालों को ये बेटी नहीं चाहिए। तू आज ही अस्पताल जा और इसे गिरवा। मैं अपनी बेटी नहीं गिरवाऊंगी। तू मेरी बात नहीं मानेगी, अपने पति की बात नहीं मानेगी। रुक, अभी बताता हूँ। हे क्या कर रहा है? टांग पकड़ ले। मर गई बच्ची। तो हमारा सारा कॉपी कर लिए, हमारा कॉपी कर लिए। अरे मैंने भी तो कितनी बार कहा है, तुम
हो ही इतनी खूबसूरत, मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने तुझे बहुत अवॉइड किया है और अब मेरी शादी होने वाली है और अगर तूने मेरा पीछा करा तो थपड़ा दूंगी। तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो ये भी कर दो, तो तुम्हारी शादी होने वाली है। हाँ, और अब तू मेरा पीछा नहीं करेगा। इतनी खूबसूरत हो, चलो तुम्हें थोड़ा और तैयार कर देता हूँ इस तेजाब से। डालना भी नहीं आया। हमने कुछ नहीं देखा। ठीक है, जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दी जाती है या उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाता है। हमारे देश में जान ले लेना, तेजाब फेंक देना या जिंदा जला देना इतना आम हो चुका है कि जिस दिन कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर यह बयान देता है कि हमारे देश में औरतों के विरुद्ध हो रहे अपराधों में कटौती हो रही है, उसी दिन डीयू के एक छात्र पर गोली चला दी जाती है। हमारे समाज में आज भी लोगों का कहना है कि अंधेरा होते ही लड़कियां घर से बाहर रहती हैं, इसलिए उनके साथ छेड़खानी और बलात्कार होते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि उस 22 साल की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे, उस 80 साल के बुजुर्ग को किसने उकसाया था? हमेशा औरतों पर ही अंकुश क्यों लगाए जाते हैं? घर के अंदर या घर के बाहर पब्लिक प्लेसेस पर जब भी कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या उसे सो कॉल्ड मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, तब हम सब, जी हाँ, हम सब सिर्फ मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं, सिर्फ मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं। किसी भी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस दुर्व्यवहार से या बदतमीजी से उनके मानसिकता पर क्या गुजर रही होगी? हमारे एक मिनट के मनोरंजन से उसके ऊपर फिजिकली या इमोशनली क्या असर पड़ता होगा? बस एक बार खुद को हमारी जगह रखकर देखो, कुछ ना कर पाने की कसर क्या होती है पता चलेगा। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मानने को क्यों तैयार नहीं है? मर्दों की इस तरह के व्यवहार से लड़कियों पे क्या बीतती होगी और वो कितना सहमती होंगी, क्या सोचा है किसी ने? अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। क्या मंजूर है आप सबको एक और नन्ही सी बेटी के साथ ये घोर हिंसा देखना? नहीं। अरे तुम्हें क्या इतनी देर से खेल रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। चॉकलेट। अरे तुम्हें तो चॉकलेट बहुत पसंद है। आ तो छोटी सी लाया हूँ, कल बहुत बड़ी सी चॉकलेट लाऊंगा, तो चलो। उड़ न सकी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तितली उड़ न सकी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। हाँ, किसी ने बीटी वीडियो भेजी थी। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, फुलवारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ। कलयुग की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए और कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सत्युग हो, इंसाफ मुझी पर आता है। कलयुग हो या सत्युग हो, इंसाफ मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है? क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है? क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है? दिल्ली NCR और देश के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की यौन हिंसाएं
बलात्कार के किस्से और अपराध होते रहते हैं। हम और आप सब रोजाना इसे अखबार में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पर देखते हैं, दो चार मिनट बातें करते हैं, यू नो कैजुअल टॉक्स, और फिर सब भूल जाते हैं। क्यों? हमें तो ऐसा लगता है, अरे ऐसा हमारे या हमारे अपनों के साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की बूढ़ी औरत तक के साथ ऐसे अपराध होते हैं। आज ज़रूरत है तो आगे बढ़कर आवाज़ उठाने की, कुछ कहने की, कुछ बोलने की। आइए आवाज़ उठाइए, आपकी और हमारी चुप्पी और उदासीनता ऐसे अपराधियों और ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। आइए एक्शन लीजिए। हम अपने घरों में लड़कियों को कितना कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे दुपट्टा ओढ़ो, इन लोगों से दोस्ती मत करो, इन लोगों से दोस्ती करो, बाहर अंधेरा हो जाए तो मत जाना, और जाना पड़े तो पापा को साथ लेके जाना। अरे हम अपने घरों में लड़कों को क्यों नहीं बताते, उन्हें क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों को समाज में इज्जत, बराबरी और समाज कैसे दिया जाता है। एक नारा आप सबने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जरूरत है इस नारे से एक कदम आगे सोचने की। जरूरत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटों को समझाओ और बेटों को सिखाओ। जिस दिन बेटे सीख गए और समझ गए, उस दिन बेटियां बच भी जाएंगी, आगे बढ़ भी जाएंगी और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर जाएंगी। अच्छा तो बताओ, हमें आजादी कब मिली थी? 1947 में। तो जब आजादी सिर्फ मर्दों को मिली थी? नहीं नहीं ना, वो आजादी सिर्फ मर्द और औरत दोनों को मिली थी ना? तो मर्द कौन होते हैं औरतों को ये कहने वाले कि मैं तुझे आजादी दूंगा? मर्द कौन होते हैं औरतों को कंट्रोल करने वाले? अपनी आंखें और अपने कान खुले रखिए और सावधान रहिए ऐसे सफेद नकाबपोश भेड़ियों से, जो खुले आम आज भी हमारे समाज में घूमते हैं। याद रखिए, अगर ऐसा किसी लड़की के साथ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब। अपनी आंखें और कान इसीलिए बंद कर लेते हैं ताकि उन्हें कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशनों के चक्कर ना काटने पड़े। नतीजा क्या होता है? सबूतों के अभाव में अपराधी सब कुछ निकलता है, फिर से एक नए अपराध को अंजाम देता है और बच जाता है। क्या हम सब मिलकर महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम अपनी आवाज उठाने के लिए हमेशा दामनी जैसे हादसों का ही इंतजार क्यों करते हैं? क्या हम लड़कियों को ऐसा माहौल नहीं दे सकते जहाँ उनके साथ कुछ गलत करना या उनके साथ हिंसा करना ही एक अपराध हो? दस्तक है समाज पर और उनकी सोच पर, दस्तक है समाज पर और उनकी सोच पर, परंतु अभी हमारी आखिरी दस्तक होनी चाहिए। Now it's enough, no more crime against women, zero tolerance. नहीं, और न किसी बेटी के साथ और अहिंसा देखना। नहीं, नहीं। जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन रख, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन रख, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन रख, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हम गायन शुरू करें। क्या ये देखो जी, निकल लो वो चिड़िया बुलबुल।
कैमरा इधर के बाहर।